फ्रेंड्स, आई एम गरिमा। तो आज हम 15 मिनट्स में डिलीशियस खीर बनाएंगे। चावल की खीर तो आपने अक्सर खाई होगी, पर आज हम ड्राई फ्रूट्स खीर बनाएंगे। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो, जब भी आपका व्रत हो, आप इसे इंस्टेंट ही रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जब भी आप कोई प्रसाद बनाएं या भोग बनाएं, उसे देसी घी में ही बनाएं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ आप देख सकते हैं घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून क्रश किए हुए बादाम, 1 टेबल स्पून क्रश किए हुए काजू और 1 टेबल स पून बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर ही सेट रखते हुए इसे लगातार चलाते रहेंगे। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स नहीं हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई स्वीट बनाएं या खीर बनाएं या पाक बनाएं, हैवी बॉटम की कढ़ाई का ही यूज़ करें। और इसमें साथ ही साथ 2 टेबल स्पून फ्रेश नारियल के पीसेस इस तरीके से कट करके डाल देंगे। आप चाहें तो सूखे नारियल को कट करके भी डाल सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को हम घी में इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि खीर में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और खाने वाले को भी मज़ा आ जाए। रोस्ट करने से इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और ये खाने में टेस्टी भी लगेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे हम बाउल में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में 1 कप मखाने डाल देंगे और इसे भी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और लगातार चलाते जाएंगे। मखाने के जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इसे लगातार चलाते रहें, कुछ ही सेकंड्स में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। मखानों को हमें व्रत में भी जरूर खाना चाहिए और ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई भी अभी गर्म है तो इसे 1-2 सेकंड्स के लिए कढ़ाई में ही चला लेंगे और मखानों को प्लेट में निकाल कर उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में उसी कढ़ाई में 1/2 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध डाल देंगे और दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। दूध आप पहले से बॉईल किया हुआ या कच्चा दोनों ले सकते हैं। जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब मखानों को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। कट करने से ही पता चल रहा है ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इस तरीके से सारे मखानों को हमने कट कर लिया है। यदि आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंडर जार में ना पीसें, क्योंकि ग्राइंडर जार में पाउडर सा बन जाता है। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है। उस टाइम पर भी आप इसे 2 पार्ट्स में कट करके ही डालें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में भी उबाल आ गया है, तो चम्मच से इसे लगातार चलाते रहेंगे, साइड से भी और बॉटम से भी। लगातार चलाते रहने से दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और दूध तलवे पे चिपकेगा भी नहीं। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो पर ही सेट कर देंगे। मखाने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। अब सारे कटे हुए मखानों को हम कप में डाल लेते हैं, जिस कप से हमने इसे मेज़र किया था। यहाँ पर मैंने 75 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे क्रश भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यदि आपके पास घर का ही बना हुआ फ्रेश पनीर हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। अब इसमें कटे हुए मखाने डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाने और पनीर के कॉम्बिनेशन से ये एक डिफरेंट टाइप और डिफरेंट टेस्ट की खीर बनेगी। और इसमें 2 टेबल स्पून दूध में 10-15 केसर के धागों को मैंने पहले से ही भिगो दिया था, जिससे केसर का कलर दूध में आ जाए और खाने में ये शानदार लगे। केसर डालना टोटली ऑप्शनल है। यदि आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने 3-4 इलायची को इंस्टेंट ही क्रश किया था। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जब भी आप कोई स्वीट्स बनाएं, इंस्टेंट ही इलायची को क्रश करें तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खीर में मैं मीठे के लिए मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं धागे वाली मिश्री को डाल रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ठाकुर जी को मिश्री बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी या बूरा, जो भी आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। ये मिश्री आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 1/2 कप मिश्री ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिश्री को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते जाएंगे, और साइड में जो मलाई चिपक जाती है उसे भी उतारते जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो भी इसमें डाल देंगे, जिससे दूध में अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे। खीर ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। यदि आपको और थिक करनी है तो थोड़ी देर तक और इसे गैस पर चला लीजिएगा।
लास्ट में मैं इसमें 4-5 ड्रॉप्स केवड़ा जल डाल रही हूँ। इससे खीर का फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। यदि आपके पास केवड़ा जल नहीं हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और वो भी नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देंगे। अब इसे हम गरम गरम सर्व करते हैं। आप इसे किसी भी खास मौके पर या फेस्टिवल पर बनाकर फैमिली मेंबर्स को खुश कर सकते हैं। गर्मी में इसे ठंडा ठंडा और सर्दी में इसे गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। और यकीन मानिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और सर्व करने में बहुत ही रिच लुक देगी। आपने चावल से बनी खीर जरूर खाई होगी, लेकिन मेरे कहने से इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। अब इसमें हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। शाही पंचमेवा खीर की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।